Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter number 6 of chemistry, which is equilibrium. Class 11th, chapter 6 नहीं है, chapter 7 है. ठीक है, chapter number 7 जो है हमारा class 11th की chemistry का, उसके हम कुछ PYQs यहाँ पे solve करेंगे आज. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग आर. इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका के वन, इसका के टू, इसका के थ्री है. तो क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है. सबसे पहले जो इसमें अगर बात करें, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, ऊपर जो भी हमारे पास वैल्यू होती है ये ऊपर पावर में जाती है और नीचे रिएक्टेंट. ठीक है, इसके लिए भी सेम चीज अप्लाई करोगे, इसके लिए भी. ठीक है, दोनों के लिए हम जो है ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और जो भी कोफिशियंट हो उनके सामने ऊपर एज अ कोफिशियंट उसको हम यूज करते हैं. अब हमें क्या निकालना है एनएच थ्री का, तो अप्लाइंग सेकेंड जो हमारी ये सेकेंड है, देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या करेंगे सेकेंड रिएक्शन प्लस थ्री इंटू थ्री माइनस वन, हमारे पास क्या आएगा ये रिएक्शन हमारे मतलब इसका जो सम्मिशन है, सम्मिशन के बाद हमारे पास ये रिएक्शन आती है. ठीक है, सिमिलरली हम जो है वही फॉर्मूला अपना यहाँ अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा ए. क्या आएगा, के टू, के इज इक्वल टू के टू इंटू के थ्री रेस्ट पावर थ्री अपॉन में के वन. ठीक है, ये आएगा. नेक्स्ट है, अ 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन CO2 एट प्रेशर 0.4 एटीएम एंड एक्सेस ऑफ SRO. एक क्या बोला यहाँ पे, 20 लीटर का एक कंटेनर है 400 केल्विन टेम्परेचर पे कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रेशर पे, 0.2 एटीएम एंड एन एक्सेस ऑफ SRO. नेग्लेक्ट करना है वॉल्यूम किसकी ऑफ सॉलिड SRO, क्या उसे की वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं है. तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ, तो वॉल्यूम जो है आप कंटेनर की डिक्रीज हो गई है बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर. तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंटेनर, मैक्सिमम वॉल्यूम बतानी है कंटेनर की जब प्रेशर CO2 का अटेन करेगा उसकी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या होगा. तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम बतानी है. तो देखो मैक्सिमम प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम. राइट, तो फॉर रिएक्शन जो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है यानी क्या, SRCO3 SRO प्लस CO2, हमारे पास क्या आएगा KP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर CO2 के प्रेशर के इक्वल इज इक्वल टू क्या दे रखा, 1.6 atm. ठीक है, यानी कि क्या इसका मैक्सिमम प्रेशर है CO2 का. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एट दिस स्टेज, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT अपॉन P. तो यहाँ पे आप N क्या हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है तो N को बाहर ले लेंगे, इज इक्वल टू PV अपॉन RT दे रखी है वैल्यूज हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 लीटर. D इसका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे. इफ द वॉल्यूम ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज इतनी, अगर वैल्यू किसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इतनी है, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल बी. तो इक्विलिब्रियम पे सिस्टम की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका, तो वो हमें बताना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मोस्टली प्रोडक्ट्स. देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन यानी हमारे पास के इज इक्वल टू क्या, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो जो वैल्यू है के की वो वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, तो सिस्टम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, इसके लिए के है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे निकालना है. ठीक है, इसके लिए दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, के इज इक्वल टू वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. इसके लिए क्या लिखोगे, ये हमारे पास है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, के डैश इज इक्वल टू NO, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट अपॉन में जो भी इसके क्या है
रिएक्टेंट यहाँ पे एज इट इज पुट करोगे एन टू रेस टू पावर हाफ ओ टू रेस टू पावर हाफ, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया है ए, के रेस टू पावर क्या है हाफ, ये क्या है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, गिवन दैट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन हैज अ वैल्यू ऑफ 278 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर पे, इस रिएक्शन का क्या बताना है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी है, इसका के क्या है 278 गिवन है, इसके लिए हम क्या के डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, के डैश इज इक्वल टू ऑक्सीजन रूट वन अपॉन के। ठीक है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, के की वैल्यू क्या दे रखी है रूट वन अपॉन के, क्या है 278 ऑलरेडी गिवन, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 6×10^-2, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की, गिवन दैट रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस रिप्रेजेंटेड बाय ए टू एंड बी टू टू गिव द कंपाउंड ए बी, ए टू प्लस बी टू गिव्स टू ए बी, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे रखी है हमें ए टू की बी टू की और ए बी की तीनों की, तो अगर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अगर सील्ड वेसल में रिएक्शन जो है हो रही है कितने टेम्परेचर पे 527°C पे, तो वैल्यू बतानी है किसी के सी की, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे हमें बतानी है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, ए टू प्लस बी टू गिव्स टू ए बी और के सी की, के सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है तीनों की, पुट करोगे आंसर आ जाएगा 0.62। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आपको बस ये वैल्यूज पुट करनी है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और आंसर आएगा 0.62। नेक्स्ट बात करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन की, क्या है फॉर द रिएक्शन एन टू प्लस ओ टू टू एन ओ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज के वन, उसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या है के वन, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज के टू फॉर द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के लिए हमें क्या बताना है, के टू इस रिएक्शन का दे रखा है के वन इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, वट इज के फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास है वही फॉर्मूला लगाओगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसके लिए भी सेम अप्लाई करोगे, इसके लिए भी वही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। देखो हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं इसी टाइप का यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सिंपली मैं आपको पुट इस लास्ट वाले का एक करके बता देती हूँ, वन अपॉन रूट के टू। ठीक है, तो इसके बाद आप मतलब के वन और के टू की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा सी ये आएगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम के सी एंड के पी आर नॉट इक्वल, कौन से इक्विलिब्रियम में के सी और के पी जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये डी में आप देख पा रहे हो डी में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो डी में क्या है डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे हमारे पास क्या है 2-1, 2-1 इज इक्वल टू क्या आ गया +1, यानी के सी और के पी इन दोनों के इक्वल नहीं है, इन दोनों के क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर डेल्टा एन एन की वैल्यू जीरो होती तो उस दौरान जो आर टी मतलब रेस टू पावर डेल्टा एन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, उस कंडीशन में जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में के सी इज इक्वल टू के पी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन की, रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स 3c + d इज बिगन विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, दोनों जो है एट एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 1.00 मोलैरिटी, जब इक्विलिब्रियम कहाँ पे पहुंचा कंसंट्रेशन डी पे उसको मेजर किया गया वो 0.25 मिला। ठीक है, पहले 1 था फिर 0.25, वैल्यू बतानी है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की इस रिएक्शन के लिए इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ बताना है। तो देखो ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखो हमें क्या दे रखा है 2a प्लस बी गिव्स 3c + d, मोल रेशियो की बात करेंगे सबसे पहले इनकी और फिर उसकी मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे एट टाइम जीरो पे बात करेंगे। ठीक है, और फिर मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है,
ठीक है। चार देखो, मोल रेशियो 2A की क्या है, यहाँ पे 2 है, B की क्या है 1, इसकी क्या है 3 है, D की क्या है 1 है। मोलर कंसेंट्रेशन की बात करेंगे, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, यहाँ इनकी दोनों की 0 है, टाइम 0 पे, ठीक है, ये टाइम 0 पे मोलर कंसेंट्रेशन। मोलर कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बात करें तो दे रखी है 0.50 इसकी, दे रखी है इसकी, इतनी दे रखी है 7.5 इसकी और 0.25, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूला पुट करोगे Kc इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वैल्यूज आपके पास हैं ये चारों की चारों, चारों वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, आंसर आ जाएगा आपका सी। अब ये फिर हमको जूम आउट करना पड़ेगा, आंसर इसका आ गया सी, ठीक है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द रिएक्शन FuH3 gives Fe3 positive 3OH is decreased by 1/4 times, वो डिक्रीज हो रही है, then equilibrium concentration बतानी है Fe3 positive की वजह। तो ये बताओ कि भाई देखो OH negative ही concentration 1/4 times कम हो रही है, तो Fe3 positive ही concentration कितनी इंक्रीज होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है कितने टाइम्स बढ़ेगी। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे करके बता देती हूँ, K इज इक्वल टू वही अपना मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आप करोगे, लिखोगे जो भी आपको दे रखा उधर, इज इक्वल टू सोल्व करोगे आएगा Fe3 पॉजिटिव इनटू OH माइनस रेस टू पावर 3। यहाँ पे अगर OH जो है डिक्रीज हो रहा है 1/4 टाइम्स, देन फॉर गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू रिमेन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, वी हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन, हमें Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, बाय अ फैक्टर ऑफ कितना 4 raised to power 3, यानी कि 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू कितना होगा 64। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इतना कम हो रहा है तो Fe3 की 4 raised to power 3 टाइम्स इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे हम बढ़ाएंगे Fe की, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 64। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस Ab2 कैन बी रिप्रेजेंटेड। डिसोसिएशन होता है कि ब्रेकडाउन, टूटना आयंस का, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स, ठीक है, एक्स है एंड इज स्मॉल कंपेयर टू 1 से छोटी है, एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड टोटल प्रेशर P इज। तो यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब देखो फॉर द रिएक्शन हमारे पास क्या है, 2AB2 गिव्स, ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास आया है, प्रोडक्ट हमें दिया है, ठीक है। इनिशियली बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम पे, इसकी वैल्यू क्या थी 2, ये 0 0 था, ठीक है, ये इनिशियली बात करी गई है। और एट इक्विलिब्रियम पे बात करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 1 - x, ठीक है, ये हम मान लेंगे 2x और ये हमारे पास क्या आएगा x, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो, जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास रहे, तो क्या लिखोगे 2 1 - x प्लस 2x + x कितना आ गया 2 + x, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर प्रेशर ऑफ Ab2, तो यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ गया डेटा, Ab2 का निकालना है ना सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा इनटू P, जहां पे P क्या है टोटल प्रेशर, नेक्स्ट AB की बात करेंगे सिमिलरली 2x आएगा उसका, और यहाँ पे नीचे क्या है टोटल जो हमारे पास आया टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + x, ठीक है, इनटू P सिमिलरली,
और यहाँ पे सिमिलरली आप पी बी टू का भी निकाल लोगे, एक्स है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालते हैं, टू प्लस एक्स इंटू पी। सिंस जो एक्स है, एक्स क्या बताया हमें कि एक्स क्या है, वेरी स्मॉल है, ये हमें गिवन है, सो कैन बी नेग्लेक्टेड, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, यानी जो नीचे डिनोमिनेटर होता है जो हम नीचे लिखते हैं तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा नेग्लेक्ट करके, पी ए बी टू इज इक्वल टू, हमारे पास इसको सोल्व करके आएगा ये ए बी का क्या आएगा, एक्स इंटू पी, ठीक है, और पी बी टू का क्या आएगा, एक्स अपॉन टू इंटू पी, हमारे पास ये आ गया। नाउ अब हमें क्या निकालना है, के पी, वही अपना क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, आप वो वैल्यूज पुट करोगे जो भी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ठीक है, दोनों की, तीनों की बेसिकली, इनटू पी का स्क्वायर सोल्व करोगे इसको क्या आएगा, इज इक्वल टू एक्स टू पी थ्री अपॉन टू इंटू वन, में सिंपल कैलकुलेशन कर रही हूँ, फॉर्मूले में कुछ अलग नहीं किया। देखो कैसे यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 1 आता है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स थ्री डॉट पी, ठीक है, ये कट गया इससे, एक्स थ्री डॉट पी टू इंटू वन, यानी यहाँ पे क्या आएगा, क्या रह गया हमारे पास 2, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स थ्री को बाहर ले लोगे, एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंदर, टू के पी अपॉन पी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू, जो 3 को भी हटाना चाहो बिल्कुल, टू के पी अपॉन पी रेस टू पावर, लेकिन रेस टू पावर में 1/3 चला जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे 11th क्वेश्चन का क्या आया है, बी, यानी बी 1/, यहाँ पे ये रहा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की, देखो द वैल्यूज ऑफ के पी वन एंड के पी टू आर फॉर द रिएक्शन, हमें दे रखी है इसके लिए, इसके लिए क्या रेशियो है, 9:1, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स का एंड ए विल बी इक्वल, एक्स का और ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल है, देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर ए एंड बी आर इन रेशियो, तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे ए और बी का कितनी रेशियो में होगा वो बताना है। अगेन ये काफी बड़ा जाएगा तो हम यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, देखो गिवन रिएक्शन हमारे पास क्या क्या है, एक्स गिव वाई प्लस जेड, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1, दूसरी हमें क्या दे रखी है, ए गिव्स टू ए बी, टू बी सॉरी टू ए बी नहीं, इसको भी रेज कर लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ये हो गई सेकेंड, जो लेट मान लेते हैं जो टोटल प्रेशर है फॉर रिएक्शन 1 एंड 2 विल बी, वो क्या होगा, पी वन एंड पी टू, इन दोनों का रिस्पेक्टिवली पी एंड पी वन एंड पी टू होगा, देन हम लिख सकते हैं के पी वन अपॉन के पी टू इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 9:1, ये हमें गिवन है डाटा, अभी तक जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैंने उसको क्वेश्चन को यहाँ पे समराइज किया है जस्ट, ठीक है, अब डिसोसिएशन के बाद की बात करेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन x gives what y plus z, यानी कि x हम लिख सकते हैं 1 minus alpha, y क्या है alpha, z भी क्या है alpha, equilibrium पे बात करेंगे at equilibrium, ठीक है, तो क्या आएगा, let one mole of x dissociate with alpha as degree of dissociation, यानी कि total number of mass यहाँ पे हम निकालेंगे, moles sorry mass in total number of moles is equal to 1 minus alpha plus alpha 3 alpha plus alpha 3 alpha, हमारे पास है 1 minus alpha, alpha plus alpha is equal to क्या आ जाएगा, 1 plus alpha हमारे पास आ जाएगा, thus px की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 minus alpha, सेम सिमिलर जैसे पीछे हमने किया था वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इंटू पी वन, ठीक है, पी वाई की सिमिलरली अल्फा है 1 plus alpha इंटू में पी वन, ठीक है, पी जेड की निकाल लेंगे ऐसी, पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे ही चल रहा है भाई सब कुछ, ठीक है, सिंपली फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इनके लिए सबसे पहले, और के पी वन का निकाल लेंगे आप कैसे, अल्फा अपॉन 1 plus alpha इंटू पी वन
इनटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे हमारे पास पी वन की वैल्यू आ जाएगी क्या, पी वन अपॉन ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, अभी एक मिनट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, इनटू पी वन अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू पी वन, ये आया है ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1, ये पूरी रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई 1। उसके बाद सिमिलरली आप ये जो हमारी दूसरी रिएक्शन थी इसके लिए भी सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई करोगे ठीक है, इसको लिखोगे मतलब इसको ऐसे ही सोल्व करके आपके पास के पी टू की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 2 अल्फा पी टू अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा ठीक है इंटू पी टू, ये आपके पास यहाँ पे इसकी आई, डिवाइड करोगे दोनों को, ये जो 1 है और वो 2 है, उन दोनों को, इन दोनों को आप आपस में डिवाइड करोगे ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू 36 अपॉन 1, यानी कि आप लिख सकते हो पी वन रेशो पी टू इज इक्वल टू 36:1 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ठीक है। तो यानी हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया है, थर्टी सिक्स रेशियो वन यानी कि सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है 36:1। नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 8 ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसका दे रखा है 8 गिवन है, इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फॉलोइंग रिएक्शन का, यानी हमें इसका निकालना है K2 निकालना है हमें यहाँ पे, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 को बाय 2, ये जो है फर्स्ट वाली इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा क्या, K1 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ये थर्ड आ गया। नाउ रिवर्स इक्वेशन 3 वी गेट, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1/64, इसको हमने रिवर्स कर दिया 1/64, तो 10 जो K2 वो क्या आएगा 1/64, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सिंपल फॉर्मूला ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन, ये K1 K2 K3 दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स NH3 बाय ऑक्सीजन टू गिव NOIs, तो यहाँ पे इसका हमें ऑक्सीडेशन वो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, इसके लिए स्पेस चाहिए होगा हमें अगेन, ठीक है तो करते हैं स्टार्ट। गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, तो हमें ये दे रखा है N2+3H2, मतलब बेसिकली हमें दे रखा है K1 उसकी K2 आप क्वेश्चन में देख सकते हो, उसमें K3 ठीक है, तीन दे रखे हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है वो बता देती हूँ, 4NH3+5O2 gives 4NO+6H2O, यहाँ पे हमें इसका क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, दूसरा क्या है 2NH3+5O2 gives 2NO+3H2O, इस इक्वेशन के लिए K की वैल्यू लिखोगे क्या, प्रोडक्ट क्या है NO2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वही फॉर्मूला जो होता है NH3 2 ऑक्सीजन 5/2 ठीक है, लेकिन बट K1 क्या है हमारे पास, K1 अगर वहां पे जो ये हमारे पास होगा ये लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, वो हमारे पास दे रखा है सिंपल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही लिख रही हूँ अभी मैं ठीक है, K2 का क्या लिख रखा है, मैं तीनों का लिख रही हूँ, और K3 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तीनों के मैं लिख लिया, नाउ ऑपरेट, अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, देखो K2.K3 का क्यूब अपॉन K1 जो भी निकाला है उसको यहाँ पे सोल्व करके पुट करोगे आंसर आएगा K2K3 का क्यूब अपॉन K1, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
आंसर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 15th क्वेश्चन की, पहले इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसके लिए हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बतानी है, ठीक है। यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए, इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय दिस, मतलब ऐसे जो दे रखा है ये हमारे पास क्या है, इसका गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एज द वैल्यू ऑफ केपी गिवन इज रॉन्ग, इट शुड बी, कैसे होना चाहिए, केपी इज इक्वल टू, यहाँ पे आना चाहिए पी, यहाँ पे नहीं लगा, पी सी ओ टू अपॉन पी सी एच फोर पी ओ टू, ठीक है, ये यहाँ पे पी प्रेशर का तो यूज किया ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, गलत है, ठीक है। 16th क्वेश्चन की बात करेंगे, के वन एंड के टू आर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर रिएक्शन, के वन और के टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट रिएक्शन के लिए फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें इसका बताना है। फॉर रिएक्शन वन, फर्स्ट रिएक्शन के लिए के वन क्या होगा, आप जानते हो वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यहाँ पे आप लगाओगे, और सेकेंड रिएक्शन के लिए सिमिलर अप्लाई करोगे, तो देयरफॉर आपके पास के वन इज इक्वल टू वन अपॉन के टू का स्क्वायर ये आ जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए, ठीक है। दोनों में मतलब वही अपना फॉर्मूला पुट करोगे, अपना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला। नेक्स्ट है 17th, वैल्यू ऑफ केपी इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में केपी की वैल्यू बतानी है क्या होगी, हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, तो MgO और MgCO3, जो MgO है और MgCO3 है, तीनों क्या, दोनों क्या है, सॉलिड है, और ये क्या नहीं करते, एग्जर्ट नहीं करते कोई भी प्रेशर, दोनों क्या है, सॉलिड है, डू नॉट एग्जर्ट प्रेशर, कोई भी प्रेशर ये एग्जर्ट नहीं करते CO2 के द्वारा, ठीक है, तो देयरफॉर KP इज इक्वल टू क्या आएगा, PCO2, इसके इक्वल, यानी ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फॉर डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड के लिए करेक्ट ऑर्डर बताना है इसमें हमें, ठीक है, तो हम बात करेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो पॉलीप्रोटिक एसिड जो होता है, मतलब पहले मैं पॉलीप्रोटिक एसिड की बात कर रही हूँ, उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ सेकंड प्रोटॉन, अगर दूसरे प्रोटॉन का उसमें लॉस होता है, ठीक है, मच लेस, मतलब बहुत कम होता है रेडिली देन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत कम फास्टली उसका लॉस होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट प्रोटोन। यूजली जो के ए की वैल्यू होती है सक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटोन के लिए फ्रॉम दिस एसिड डिफर बाय एटलीस्ट अ फैक्टर ऑफ 10^-3, तो दैट इज दिस वन, ठीक है, ये जो फैक्टर हमें दे रखा, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, इफ के वन एंड के टू आर रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द टू रिएक्शन, अगर के वन इसका है के टू इसका है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बताना है इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, ठीक है, यानी के थ्री बताना है, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे, तो अब हम, ठीक है, आपको सिमिलरली वही अप्लाई करना है, के वन का निकाल लोगे आप फॉर्मूले से वही जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, के टू का सिमिलरली निकाल लोगे, ठीक है, के थ्री का निकालोगे, फिर तीनों को इक्वेट कर दोगे, आपके पास आंसर आएगा के इज इक्वल टू के टू अपॉन के वन, के टू अपॉन के वन, यानी कि डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे हम, मैं बिल्कुल डिटेल में करके दिखा चुकी हूँ अब क्वेश्चन, अब आप खुद जो है इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर अल्फा जो है इज अ फ्रैक्शन ऑफ एच आई, अल्फा फ्रैक्शन है एच आई की, डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट हुआ इन द रिएक्शन 2HI गिव्स H2+I2, स्टार्टिंग विद 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ एच आई से स्टार्ट हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे वो बताना है। देखो यहाँ पे करके बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2HI गिव्स H2+I2 एट टाइम इज इक्वल टू 0, इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है, इसके 0 मोल है, इसके 0, इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे 2 × 2 क्या लिखेंगे, 2α, इसका अल्फा और इसका भी क्या आएगा अल्फा, टोटल मोल्स निकाल लोगे 2 × 2 α + α + α क्या आएगा 2, 2 मोल इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बी।
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे 21st क्वेश्चन की, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। जो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर के लिए, वो ये और ये हमें दोनों का दे रखा है पर मिनट रिस्पेक्टिवली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अब इस जो रिएक्शन हमें दे रखी है इसके लिए क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो रेट कांस्टेंट की बात करी जाए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, यानी जिसको आप Kf से डिनोट करते हो, वो दे रखा है हमें कितना 1.1 × 10⁻²। और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन यानी जिसको आप Kb से रिप्रेजेंट करते हो, दे रखा 1.5 × 10⁻³ पर मिनट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात यानी Kc की, ठीक है, क्या Kf अपॉन Kb, आप ये फॉर्मूला पुट करोगे आपके पास आंसर आ गया 7.33 आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस जो है सुक्रोज का दे रखा है, मतलब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू दिस एट दिस टेम्परेचर, वैल्यू बतानी है डेल्टा जी की एट द सेम टेम्परेचर विल बी, तो सेम टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो गिव्स एनर्जी होती है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी ln क्यूल, ठीक है, लोग भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। इक्विलिब्रियम पे बात करें तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और क्यू इज इक्वल टू मान लेते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यानी के ई क्यू, ये हो जाता है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, डेल्टा जी जीरो हो चुका है, माइनस आर टी एल एन के ई क्यू, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लोन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें आपके पास सारी वैल्यूज दे रखी है, आप पुट करोगे आपके पास आंसर आएगा डी, -8.314 जूल मोल पर, मतलब जूल मोल किलो इंटू 300 केल्विन, यहाँ पे केल्विन है सॉरी केजी नहीं है, केल्विन इंटू 300 केल्विन, ठीक है, लोन 4 × 10⁻³। अरे यार इसका ये डी आंसर है, मैंने आपको सी का आंसर बता दिया, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया भाई, ठीक है, कि आप ये फॉर्मूला पुट करोगे डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यूज आपके पास दे रखे हैं, इसमें आप पुट करोगे तो आप खुद भी मैच कर सकते हो आंसर, वैसे डी आएगा, मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रही हूँ, ठीक है, तो इसमें पुट करती आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है फेवर करेगी किसको, मैक्सिमम फॉर्मेशन किसकी प्रोडक्ट की इस रिएक्शन में, ठीक है, तो देखो हमें क्या देखा है, ए टू प्लस बी टू गिवस एक्स टू, और इसका डेल्टा एच की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो जूल, ये हमको दे रखा है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है एक डायरेक्शन में जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर इंक्रीज किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन मूव किया मतलब इक्विलिब्रियम ने शिफ्ट किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जहां पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करे, टेम्परेचर को डिक्रीज करे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी होती है, वही फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर फेवर करता है मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी 23rd का जो राइट आंसर है, राइट है ये अपना, ये फर्स्ट है, लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है 24th, कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इसको कंसिडर करो, इनमें से रिएक्शन, करेक्ट रिएक्शन आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे देखो क्लोसियस क्लेपियरियंस इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है डी एल एन एफ अपॉन पी अपॉन डी टी, ठीक है, ये होता है यानी कि डेल्टा एच वी अपॉन आर टी का स्क्वेयर, ये हमारे पास, मतलब ये बिल्कुल आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद ही रख लो, ठीक है, ऐसा कोई खास ये हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं है, इसका जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट इसका ये रिलेशन याद रख सकते हो, बस यही आएगा जब भी आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फॉर अ रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, ये इसका आंसर है 25th का बी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो होती है, यहाँ पे हमारे पास जो है डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे जीरो, इन दोनों में तो भाई कुछ ना कुछ वैल्यू है डेल्टा जी की, यहाँ पे इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, एक तो ये ठीक है, तो हमारा मतलब -2.3 यही होता है, ठीक है, ये ठीक है हमारा।
नेक्स्ट बात करेंगे 26th क्वेश्चन की. फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ठीक है. कैसे, कब कब शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में? देखो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वही है जो पीछे अभी किया था, एक क्वेश्चन हम करके आ चुके. रिवर्सिबल डायरेक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या था, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और सॉरी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर कम, बिल्कुल सेम वही है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक वो होता है जो हीट रिलीज करे, और एक इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक, जिसका मतलब होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है. वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो हीट को रिलीज करे. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए केपी और के डैश पी आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर टी वन और टी टू पे रिस्पेक्टिवली. अज्यूम करना है कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट है इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन टी वन और टी टू के बीच में, जो क्या है हीट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट है. इट इज रेडिली ऑब्जर्व दैट, फिर क्या ऑब्जर्व वहां पे किया गया? देखो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ केपी, पीछे मैंने ये बात बोल के बताई थी केपी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, यानी केपी इज ऑलवेज लेस देन केपी डैश, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा, यही है फर्स्ट वन. नेक्स्ट बात करेंगे 28th क्वेश्चन की. द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN एट 25 डिग्री सेल्सियस, इतना और इतना दोनों का हमें दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिटिक एसिड का भी और HCN का भी 25 डिग्री सेल्सियस पे ये हो रही है रिस्पेक्टिवली. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, इसके लिए हमें स्पेस चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए. देखो गिवन क्या है हमें, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये हमें दे रखा है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेक्स्ट बात करेंगे क्या, HCN हमें दे रखा है, HCN डिसोसिएशन हुआ इसका CN नेगेटिव में, K2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10, ठीक है. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव गिव्स व्हाट HCN. अब यहाँ पे निकालेंगे A2 का, तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसका रिवर्स करेंगे हम इज इक्वल टू K2 की वैल्यू क्या है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10, ये हमारे पास आ गई सेकेंड, ये फर्स्ट थी ये सेकेंड है, ठीक है, ध्यान रखना है. From 1 and 2 we find that equilibrium constant Ka for the reaction. अब देखो हमें निकालना है CN negative plus CH3 C double bond OH के लिए, split करेंगे dissociation होगा इसका कैसे, K is equal to Ka1 into Ka2 dash, ये दोनों आपके पास हैं, अब दोनों को आप यहाँ पे put करोगे, सोल्व करोगे इसको तो आएगा 1/3 इंटू 10 रेज टू पावर 5, यानी और इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आएगा 3.33 इंटू 10 रेज टू पावर 4. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 28th क्वेश्चन का विच इज सी, इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे 29th क्वेश्चन की. रिएक्शन क्वेश्चन यानी क्यू फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय, ये दे रखा रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ, तो रिएक्शन राइट से लेफ्ट कब प्रोसीड करेगी, कौन सी कंडीशन पे प्रोसीड करेगी वो बताना है. देखो फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट के लिए बैकवर्ड रिएक्शन यानी क्यू, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, इसका रेट हमेशा केसी यानी फॉरवर्ड रिएक्शन से ज्यादा होना चाहिए, बैकवर्ड का फॉरवर्ड डायरेक्शन से ज्यादा होना चाहिए. राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है कि बैक वो अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, तो क्यू यानी बैकवर्ड रेट हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए फॉरवर्ड रेट से. दैट इज जो वो है अपनी क्या रिएक्शन जो है उस कंडीशन में फास्ट होगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ये रहा वही यार बैकवर्ड में ज्यादा होना चाहिए. अगर क्यू केसी के इक्वल हो जाए तो वो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, ठीक. अगर केसी क्यू से ज्यादा हो वो होती है अपना कहाँ शिफ्ट हो रही है फॉरवर्ड में, और अगर क्यू ज्यादा हो तो वो यानी बैकवर्ड में, ठीक है. इससे आप अच्छे से समझ सकते हो. नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन.
इस रिएक्शन के लिए 2BaO2 gives 2BaO plus O2. H is equal to H is equal to positive in equilibrium condition. Pressure of oxygen is dependent. तो pressure जो oxygen का वो किस पे depend करेगा? Equilibrium condition पे हमें ये बात बतानी है, ठीक है? इसको consider करके इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, Kp is equal to PO2, यानी कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंसंट्रेशन टर्म इज टेकन एज यूनिटी, हैंस जो वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का. अगर हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन की, जो फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज होगी एज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट है, इन अ टू स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो दो स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टेप वन स्टेप टू, स्टेप वन एंड टू आर फेवर्ड रिस्पेक्टिवली बाय, दोनों किससे फेवर किए गए हैं? देखो जो सिंस जो स्टेप वन और टू है वो दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज होती है, और हेंस लो टेम्परेचर पे विल फेवर बोथ द रिएक्शन, और लो टेम्परेचर पे दोनों रिएक्शन को फेवर भी करेंगे, स्टेप मतलब दोनों ही स्टेप्स को फेवर करेंगे. तो स्टेप वन की अगर बात करी जाए तो इसमें मोल्स क्या है, इंक्रीजिंग है, हेंस लो प्रेशर विल फेवर इट. अगर मोल्स यहाँ पे ज्यादा हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर इसको फेवर करेगा, ठीक है? और अगर स्टेप टू की बात करी जाए तो उसमें मोल्स कम है, यानी कि हाई प्रेशर विल फेवर इट. तो 31st का क्या करेक्ट आंसर आएगा, डी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, मतलब लो टेम्परेचर. तो ये हमारे पास क्या है, डी करेक्ट इसका आंसर है 31st का. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ए टू गिव्स 2A एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 1×10⁻¹ एंड 1×10⁻¹ रिस्पेक्टिवली. तो गिवन रिएक्शन इज, तो हमें गिवन रिएक्शन बतानी है इसमें क्या होगी. देखो 32 के लिए अगर बात करी जाए तो इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे दे रखा है, के सी इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू, ठीक है, सॉरी ए टू ए आएगा यहाँ पे, ए है ना दोनों में. तो यहाँ पे देखो सिंस जो वैल्यू है वो बहुत कम छोटी मतलब वेरी स्मॉल हमें वैल्यू दे रखी है, तो हेंस जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी वो भी कम होगी, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, स्लो, यानी 32 का क्या आएगा, बी, स्लो होगी रिएक्शन. स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर आइसोमेराइजेशन रिएक्शन. तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बतानी, फ्री चेंज एनर्जी बतानी है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन के लिए क्या होगा. तो देखो अगर मोर देन दो मतलब इफ मोर ट्रांस टू पेंटीन इज एडेड, मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ, कहाँ लिख के बताऊँ, एक मिनट. If more trans to pentene को अगर हम add करते हैं added, तो जो concentration है वो right hand side की तरफ increase होती है, ठीक है? बट इन ऑर्डर टू मेंटेन, लेकिन हमें के कॉन्स्टेंट को भी मेंटेन करना होता है उसकी कंसेंट्रेशन को, तो हम उसके लिए कंसेंट्रेशन ऑफ उसके लिए हम सिस टू पेंटीन को भी इंक्रीज कर देते हैं, देयरफॉर मोर सिस टू पेंटीन. तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, ज्यादा सिस टू पेंटीन वहां पे फॉर्म होते हैं, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट. नेक्स्ट बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेट चैटलियर्स प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ सॉलिड गिव्स, ठीक है, ये लिक्विड इक्विलिब्रियम विल कॉज था. तो यहां पे हम इसका बताना आंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज. देखो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सबसे पहले क्या प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादा लिक्विड वहां पे फॉर्म होगा, और हैंस एडिंग हीट, जो अगर हम उसमें हीट ऐड करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे 35th क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कौन सी इनमें से इन्फॉर्मेशन जो ऑप्टेन करी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है. सिंपल है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजिशन और चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट. तो ये हमारे पास डी का करेक्ट ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, वेन एवर जब भी कॉन्स्टेंट अप्लाई किया जाएगा किसी भी सिस्टम पे इक्विलिब्रियम में, सिस्टम टेंड टू वो दोबारा रीएडजस्ट होगा सो एज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट, ताकि वो जो कॉन्स्टेंट का इफेक्ट है उसको नल कर सके, मतलब उसको जीरो बना सके बिल्कुल. नेक्स्ट है 36, पीएच जो है ऑफ 0.01 मोलैरिटी NaOH यानी एक्वेसियस सॉल्यूशन विल बी, उसका पीएच, हमें पीएच बताना है इसका. तो देखो OH नेगेटिव
इज इक्वल टू हमें दे रखा है ये, राइट। तो यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 2। OH की अगर मैं बात करूं, POH माइनस फॉर्मूला आता है माइनस लोग OH नेगेटिव, तो यहाँ पे पुट करोगे माइनस लोग OH क्या है 10 रेज टू पावर माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2, pH निकालना है यानी 14 में से अब जो OH का है वो माइनस करेंगे यानी 14 माइनस 2 कितना हो गया 12, यानी डी हमारे पास क्या इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following cannot act both as bronsted acid and as bronsted base? कौन सा इनमें से ऐसा है जो both bronsted acid and base के तौर पे act नहीं कर सकता? तो HCl cannot accept, HCl होता है क्योंकि भाई it cannot accept H positive, therefore cannot act as, तो इस वजह से ये bronsted जो है base के तौर पे act नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR, कॉन्जुगेटेड बेस बताने किसके लिए, ब्रोंस्टेड एसिड्स H2O के लिए और HF के लिए, इन दोनों के लिए क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। जब भी एक प्रोटॉन को हम रिमूव करते किसी भी एसिड से, प्रोटॉन को हम क्या ऑब्टेन करते हैं, कॉन्जुगेट बेस। देखो H2O यहां पे भी सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 39th, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन। ये फॉलोइंग सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया क्या मिक्स करके, डिफरेंट वॉल्यूम किसके, NaOH की और HCl की डिफरेंट कंसेंट्रेशन की, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। HCl की अगर बात करी जाए, मोलैरिटी ऑफ HCl, तो हमारे पास क्या आएगा 75 × 1/5 × 1 यानी इसकी 59, ये NaOH की 5 आएगी, ठीक है। अगर HCl की बात करें सॉल्यूशन में 0 होती है, तो मोलैरिटी निकालना है H पॉजिटिव का, तो क्या आएगा 10/100 = 1/10। फिर pH वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे माइनस लोग H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लोग H पॉजिटिव की निकाल चुके हैं, 1/10 आएगा 1.0। तो यहाँ पे आपके पास 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। यहाँ ऐसे इसका वो निकालोगे आप सॉल्यूशन से, तो हमने जो है चेक भी कर लिया है कि इससे जो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, एक मिनट, इसमें क्या था, सी था हमारे पास। पीएच ऑफ वन, एक मिनट, पीएच ऑफ Which one of the full, which one of them will be equal to one? किसकी pH equal होगी 39 की, तो C की equal होगी भाई, ठीक है। अगर इसमें हम put करके formula pH निकाले तो वो हमारे पास 1 ही आई थी, मैंने पूरा निकाल के दिखा दिया था आपको। नेक्स्ट है 40, what is the pH of resulting solution? pH निकालनी है resulting solution की, जब when equal volumes, जब equal volume 0.1 mNaOH की और 0.01 HCl की mix करें तो resulting pH क्या आएगी वो बताना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, वो बोला m1v1 = m2v2 = mv, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट करोगे आंसर आएगा m, यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी 4.5 × 10⁻²। यहाँ पे अब आप क्या निकालोगे, pH, POH is equal to क्या फॉर्मूला था, माइनस लोग H पॉजिटिव, राइट। लेकिन यहाँ पे H पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे आप पुट करोगे इसके प्लेस पे, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12.65, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट पीएच, इनमें से कौन सा सॉल्ट जो है हाईएस्ट पीएच देता है वाटर में, तो वो है Na2CO3। Na2CO3 एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी कि NaOH
स्ट्रॉन्ग बेस का प्लस वीक एसिड जो कि कौन सा होता है H2CO3 ऑन हाइड्रोलाइसिस। दिस हाइड्रोलाइसिस के बाद ये जो सोल्ट है वो प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन, दैट इज जिसकी पीएच विल बी हाईएस्ट, पीएच जिसकी मतलब 7 से 7 से ज्यादा हो इस सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अदर्स आर कॉम्बिनेशन, और जो बच गए वो किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे KCl की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो है क्या होता है कॉम्बिनेशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, इसकी पीएच अप्रोक्सीमेट 7 होती है। NaCl की बात करूं अगेन वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, इसकी भी पीएच 7 होती है। CuSO4 की बात करूं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन यहाँ पे इसका बेस कैसा होता है, वीक होता है, यानी कि ये अब एसिडिक सॉल्यूशन होता है, इसका 7 से ज्यादा पीएच होता है और बेसिकली इसका पीएच जो है 7 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज ल्यूस बेस, लेविस बेस के तरीके, मतलब कौन सा जो है लेस लाइकली है टू रिएक्ट, यह है BF3, ठीक है। BF3 क्योंकि ये क्यों लेविस बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेविस एसिड होता है। Which of the following is least likely to behave as Lewis base? Again, मतलब उसी टाइप का पूछा है, तो हमारे पास यह BF3, ठीक है, पीछे BF3 हमने देख लिया था। तो देखो जो BF3 है वो एज लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, एज इट इज एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 44th की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स एक्ट एज, इनमें से कौन सा लेविस एसिड की तरह काम मतलब बिहेव करता है, तो ये B2H6, यानी कि इसका नाम क्या होता है बोरोन, जो इसमें बोरोन होता है, बोरोन इन B2H6 वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज लेविस एसिड, इनमें से लेविस एसिड की तरह कौन सा बिहेव करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी CH3 3B, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दस बिहेव एज लेविस एसिड। तो हमारे PYQs फिनिश हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।